हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे पीडीएफ में। ओके, सपोज दैट आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इसमें पीडीएफ में। ओके, तो यहाँ दो तरीका है इसको कन्वर्ट करने का कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगा वो दो फॉर्म में होगा। पहला फॉर्म ये होगा कि आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो होगी वो जीएनएफ में होगी, या आपका सेकंड फॉर्म क्या होगा कि आपकी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी वो जीएनएफ में नहीं होगी। ओके, तो इसको वन बाय वन देखेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर कोई आपकी गिवन ग्रामर है वो आपका ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो उसको कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, और अगर आपका जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो आपका ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपकी ग्रामर जो है वो आपकी ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद फर्दर इसको चेक करेंगे कि अगर आपका जो गिवन ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो आपका ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पीडीए का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो तरीके से होता है। सबसे पहला क्या होता है कि पीडीए जो होता है वो पीडीए एक्सेप्टेड बाई एम्प्टी स्टैक, ये एक होता है, और दूसरा क्या होता है पीडीए एक्सेप्टेंस बाई फाइनल स्टेट। ओके, तो दो तरीके से हम पीडीए को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला, सपोज दैट पीडीए आपका फाइनल स्टेट से भी एक्सेप्टेंस होता है, और पीडीए जो होता है एम्प्टी स्टैक से भी, इन दोनों तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ जो हम पीडीए यूज़ करेंगे वो क्या होगा, आपका पीडीए एक्सेप्टेंस बाई एम्प्टी स्टैक। ओके, क्यों, क्योंकि पीडीए एम्प्टी स्टैक को हम फाइनल स्टेट, सॉरी, तो पीडीए एम्प्टी स्टैक को फाइनल स्टेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, दैट मीन इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को पीडीए में कन्वर्ट कर सकते हैं और पीडीए को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में। बाकी पीडीए को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्या है, जो भी आपकी गिवन ग्रामर होगी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, उसको कन्वर्ट करना है पीडीए, तो हम जो यहाँ पीडीए यूज़ करेंगे वो क्या होगा, पीडीए एक्सेप्टेंस बाई एम्प्टी स्टैक। ओके, तो अब इसको देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर आपकी गिवन ग्रामर जो है वो ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो उसका एक्सेप्टेंस कैसे होता है। तो बेसिकली जो पीडीए का रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी पीडीए में टोटल सेवन टपल्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कैपिटल क्यू, दैट मीन्स जो भी आपकी स्टेट्स होंगी, यानी जो भी पीडीए में स्टेट्स प्रेजेंट होती है उसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा क्या, आपका इनपुट अल्फ़ाबेट। ओके, जैसे इनपुट अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी 0,1। उसके बाद क्या होता है आपका ट्रांजिशन फंक्शन। नेक्स्ट क्या होता है आपका टाउ, दैट मीन्स स्टैक एलिमेंट। और उसके बाद क्या होता था आपका जेड नॉट। उसके बाद क्या होता था इनिशियल स्टेट, देन क्या होता था आपका फाइनल स्टेट। ओके, ये होता है रिप्रेजेंटेशन पीडीए का। तो जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू पीडीए में ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की है वन बाई वन, सारे टपल्स का क्या मतलब है, लेकिन एक रफ आइडिया, एक रिविजन कर लेते हैं क्या है एक्चुअली। लेकिन अगर आपका जब हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये टपल्स किस तरीके से काम करेंगे, और जो हम पीडीए ले रहे हैं वो क्या आपका पीडीए एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। ओके, तो कैपिटल क्यू क्या होगा, यहाँ जो हम पीडीए यूज़ करेंगे दैट मीन्स जो भी आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी जब उसको पीडीए में कन्वर्ट करेंगे तो उस पीडीए का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो कैपिटल क्यू क्या होगा, सिंपली यहाँ क्या होगा आपका सिर्फ एक ही स्टेट होगी, यानी इस पीडीए को जो रिप्रेजेंट करेंगे जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी वो फॉर्म क्या होगा, जो आपका ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म का क्या होता था, अगर कोई भी एक आपका प्रोडक्शन है स्टार्टिंग क्या होता था टर्मिनल से, या स्टार्टिंग टर्मिनल फॉलोड बाई एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये होता है ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म। लेकिन हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो क्या आपका ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में नहीं, तो दैट मीन्स कोई भी प्रोडक्शन हो सकती है। एस डिराइव्स सपोज दैट ए कैपिटल एस फॉलोड बाई बी, तो ये आपके क्या है ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में नहीं। तो इस तरीके के हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सिर्फ इसमें एक ही स्टेट होगी जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू से। आपका इनपुट अल्फाबेट सिग्मा, जो भी इनपुट होगा ए कॉमा बी 0,1, सारे क्या होंगे टर्मिनल्स होंगे। ओके, तो इनपुट अल्फाबेट मीन्स सेट ऑफ टर्मिनल्स। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा उसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। जो स्टैक एलिमेंट होगी ये क्या होता है आपका, टाउ का मतलब क्या होता है आपका स्टैक एलिमेंट। तो स्टैक एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा आपका वेरिएबल एंड टर्मिनल, दैट मीन्स जो आपका स्टैक एलिमेंट, दैट मीन्स स्टैक में कौन कौन से एलिमेंट पुश करेंगे, आपका वेरिएबल भी पुश होगा और आपका टर्मिनल भी पुश होगा, इसलिए हम वेरिएबल यूनियन टर्मिनल लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्या होगा जेड नॉट, ये क्या आपका इनिशियल स्टैक सिंबल, यानी इनिशियल स्टैक सिंबल जो हम लोगों ने पीडीए डिस्कस किया था, कई सारे एग्जांपल सॉल्व किए थे,
जब एक्सेप्टेंस बाई फाइनल स्टेट से कर रहे थे तो आपका बॉटम ऑफ द स्टैक क्या था, जेड नोट। यहाँ जो होगा आपका फर्स्ट सिंबल जो स्टैक में आपका होगा वो क्या होगा, स्टार्ट वेरिएबल, यानी जो आपकी गिवन ग्रामर होगी। सपोज दैट अगर इस ग्रामर को एज्यूम किया जाए तो स्टार्ट सिंबल क्या है, कैपिटल एस। तो कैपिटल एस क्या होगा आपका, बॉटम ऑफ द स्टैक, यानी फर्स्ट जो सिंबल हम स्टैक में पुश करेंगे वो क्या होगा आपका स्टैक से स्टार्ट सिंबल। ओके। और क्यू नॉट, क्यू नॉट चूंकि यहाँ क्या आपका एक ही स्टेट प्रेजेंट है इस पीडीए में, तो इसलिए क्या होगा आपका क्यू। ओके। और कैपिटल एफ क्या होगा, कैपिटल एफ चूंकि हम क्या कर रहे हैं, पीडीए एक्सेप्टेंस बाई एम्प्टी स्टैक यूज कर रहे हैं, तो यहाँ कोई भी फाइनल स्टेट नहीं होगा। ओके। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा पीडीए का। तो अब एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे इसका रूल्स लिखेंगे और कैसे इसका पीडीए डिज़ाइन करेंगे। ओके। तो ये नहीं है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मान ली फॉर एग्जांपल एस डिराइव्स ए कैपिटल एस फॉलोड बाई स्मॉल बी, ये आपका दिया हुआ है। एस डिराइव्स सपोज दैट दिया हुआ है ए बी। अब इसे क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है किसमें, पीडीए में। ओके। तो जब इसको पीडीए में कन्वर्ट करेंगे तो इसके कुछ रूल्स होंगे, उसको हमें फॉलो करना होगा। तो सबसे पहला रूल क्या होगा, पहला रूल हम लिखेंगे वेरिएबल्स के लिए। ओके। वेरिएबल्स का मतलब वी, और दूसरा रूल किसके लिए लिखेंगे, टर्मिनल के लिए। ओके। तो सबसे पहला जो रूल होगा वो क्या होगा आपका इनिशियल, यानी क्या होगा डेल्टा। सपोज दैट इस तरीके से आपकी अगर प्रोडक्शन है तो इसके लिए हम क्या रूल लिखेंगे। ओके। क्यू टॉप ऑफ द इनपुट सिंबल क्या होगा, नल। दैट मीन्स जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसके लिए, यानी जितने भी वेरिएबल्स होंगे, या यूँ कह सके कि यूँ कहें कि वेरिएबल का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनल, उसके लिए रूल क्या होगा, जो भी आपकी स्टेट, क्योंकि हमारी स्टेट क्या है सिर्फ एक ही है, तो एक ही से, यानी क्या होता है इसका ट्रांजिशन फंक्शन किस तरीके से होता है, आपका प्रेजेंट स्टेट इनपुट सिंबल एंड टॉप ऑफ द स्टैक। तो टॉप ऑफ द स्टैक का मतलब क्या है, जो वेरिएबल्स होंगे वो टॉप द स्टैक है, विच इज़ इक्वल्स टू क्यू, और इस एस की जगह क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो भी आपके वेरिएबल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन होगा उसको लिख देंगे, क्या आ जाएगा, ए एस फॉलोड बाई बी। ओके। दूसरा रूल क्या होगा, अभी यहाँ एक वेरिएबल है, यानी सेकेंड रूल क्यू नल, यानी हम जब हमारा क्या होगा टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा आपका वेरिएबल होगा, तो कोई भी इनपुट हम रीड नहीं करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, नल मूव। ओके। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एस विच इज इक्वल्स टू क्यू ए बी। ओके। तो सिंपली क्या करें, जो आपकी प्रोडक्शन होगी वो क्या होगा आपका, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके वेरिएबल्स होंगे अगर वो टॉप ऑफ द स्टैक में, तो सिंपली उसकी जगह क्या करेंगे, उस स्टैक में क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट मीन इसको पुश कर देंगे। दूसरा जो ट्रांजिशन होगा, दैट मीन सेकेंड रूल, ये तो वेरिएबल के लिए हो गए। ओके। चूंकि एक ही वेरिएबल है तो सिर्फ ये दो रूल हो गए, एक ये प्रोडक्शन के लिए और दूसरा इस प्रोडक्शन के लिए है। ओके। नेक्स्ट क्या, अब देखेंगे यहाँ टर्मिनल कौन से है, स्मॉल ए स्मॉल बी, यहाँ दो टर्मिनल है, तो सिंपली क्या होगा, प्रेजेंट स्टेट इनपुट सिंबल ए एंड टॉप ऑफ द स्टैक ए। अगर आपका इनपुट सिंबल और टॉप ऑफ द स्टैक दोनों सेम है तो क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो पॉप के लिए क्या करते हैं, यहाँ नल लिखते हैं। ओके। नेक्स्ट फोर्थ रूल क्या होगा आपका, डेल्टा क्यू सेकेंड टर्मिनल क्या, नॉन सेकेंड टर्मिनल क्या आपका बी, टॉप ऑफ द स्टैक बी विच इज इक्वल्स टू क्यू एंड नल। ओके। तो अगर ये आपकी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन क्या है आपका जी एन एफ के फॉर्म में नहीं है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसको इसके रूल्स लिख देंगे। तो रूल्स क्या होगा, सिंपली जो भी वेरिएबल्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग, ये एक वेरिएबल है ये एक वेरिएबल है, क्योंकि दो प्रोडक्शन है, तो सिंपली अगर आपका प्रोडक्शन क्या है आपका, अगर वेरिएबल के लिए रूल लिख रहे हैं तो सिंपली इनपुट सिंबल क्या होगा, नल, लेकिन टर्मिनल के लिए लिख रहे हैं तो टॉप ऑफ द स्टैक नल, सॉरी टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा, टर्मिनल ए या बी होगा, तो उससे करस्पॉन्डिंग इनपुट इस तरीके। अब एक एग्जाम्पल लेके, यानी एक स्ट्रिंग लेके देखते हैं कि कैसे इस कैसे ये काम करता है। तो सिंपली अगर डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू ट्रिपल ए फॉलोड बाई ट्रिपल बी। ओके। अगर ये आपकी स्ट्रिंग दी हुई है तो किस तरीके से ये रूल काम करेगा, अब वन बाई वन देखते हैं। इनिशियली क्या होगा आपका स्टैक, दैट मीन्स ये क्या आपका बॉटम ऑफ द स्टैक, तो बॉटम ऑफ द स्टैक क्या होगा आपका स्टार्ट वेरिएबल। प्रीवियस केस में जो हम लोग डिस्कस करते थे वहाँ क्या होता था, जेड नॉट, लेकिन यहाँ क्या होगा, सिंपली आपका जो भी स्टार्ट वेरिएबल होगा उसको स्टैक में पुश कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ आपका इनपुट सिंबल है तो इनपुट सिंबल, और देखेंगे क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक। तो अगर टॉप ऑफ द स्टैक अगर आपका वेरिएबल है तो सिंपली क्या करेंगे, नल मूव, यानी कोई भी इनपुट हम रीड नहीं करेंगे, सिंपली क्या रीड करेंगे, नल, और अपना क्या करेंगे, ट्रांजिशन एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपका क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक एस है, तो यहाँ दो आपकी प्रोडक्शन है, यानी टॉप ऑफ द स्टैक एस के लिए यहाँ है और यहाँ है, और इनपुट सिंबल क्या है, नल। तो दैट मीन्स अगर इन दोनों को देखें तो क्या है, ये आपका दोनों सेम प्रोडक्शन, यानी सेम वेरिएबल के लिए दो डिफरेंट ट्रांजिशन है। तो सपोज दैट अगर हम ये ट्रांजिशन लेते हैं फर्स्ट वाला, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए बनेगा आपका, क्योंकि यहाँ क्या है, नल टॉप ऑफ द स्टैक,
नल टॉप ऑफ द स्टैक पे दो डिफरेंट ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये जो हम इस एग्जांपल के करस्पॉन्डिंग जो हम पीडीए डिज़ाइन किए हैं वो क्या आपका नॉन डिटर्मिस्टिक पीडीए। ओके, तो अब क्या होगा, सिंपली इस एस की जगह क्या करेंगे, इस एस को रिमूव करेंगे और इसकी जगह पे क्या करेंगे, ए एस बी, इसको क्या करेंगे स्टैक में पुश कर देंगे। इनपुट सिंबल ए, टॉप ऑफ द स्टैक ए, इनपुट को हम तब हम मतलब नेक्स्ट इनपुट तब रीड करेंगे जब हमारा यहाँ से क्या हो रहा है, एक मिनट देख रहे हैं। इनपुट सिंबल ए, टॉप ऑफ द स्टैक ए, ओके। अब आपका क्या है, इनपुट सिंबल ए, स्टेट सब में क्या है सेम है, दैट मीन्स एक ही स्टेट है, तो हम स्टेट नेक्स्ट स्टेट या सपोज अगर स्टेट लिखेंगे क्यू तो नेक्स्ट स्टेट भी आपको क्या मिलेगा, क्यू ही मिलेगा, इसलिए लिख नहीं रहे क्योंकि आपके स्टेट एक ही स्टेट पे ये पीडीए रिप्रेजेंट हो रहा है। इनपुट सॉरी प्रेजेंट स्टेट क्यू, इनपुट सिंबल ए, इनपुट सिंबल ए, टॉप ऑफ द स्टैक ए, तो क्या करेंगे यहाँ पॉप करेंगे, तो दैट मीन्स क्या करेंगे सिंपली इसको पॉप कर देंगे और यहाँ क्या करेंगे पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, अब आपका क्या है इनपुट सिंबल ए लेकिन टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक वेरिएबल है, तो हम इनपुट को रीड नहीं करेंगे, सिंपली क्या आएंगे यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या आपका नल, टॉप ऑफ द स्टैक यस, तो दैट मीन्स यहाँ भी एस है यहाँ भी एस है, तो सिंपली क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, अगर स्टैक को इस तरीके से लिखेंगे बी, अब इस एस की जगह क्या लिख देंगे ए एस बी, ओके इस तरीके लिखेंगे ए एस बी। अब आपका क्या है इनपुट सिंबल ए, टॉप ऑफ द स्टैक ए, तो कौन सा ट्रांजिशन एग्जीक्यूट होगा, थर्ड वाला, तो सिंपली क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यानी इसको पॉप करेंगे तो क्या आ जाएगा एस बी बी, ओके, और पॉइंटर क्या होगा इंक्रीमेंट, जब हम इनपुट और टॉप ऑफ द स्टैक सेम होगा तब हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे, अगर टॉप ऑफ द स्टैक आपका वेरिएबल है तो हम कोई भी यानी इनपुट को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, इनपुट पॉइंटर को, ओके। नेक्स्ट, अब आप क्या क्या है, अभी भी आपका इनपुट सिंबल ए लेकिन टॉप ऑफ द स्टैक क्या है वेरिएबल, तो टॉप ऑफ द स्टैक वेरिएबल के लिए दो डिफरेंट ट्रांजिशन है, तो अब सपोज अगर इस ट्रांजिशन को ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, स्टैक सिंबल्स क्या क्या होंगे, बी फॉलोड यानी बी यानी टू टाइम्स एस की जगह क्या करेंगे ए बी सब्सिट्यूट करेंगे, ए बी सब्सिट्यूट कर दिए। अब क्या आपका इनपुट सिंबल ए, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है ए, तो क्या करेंगे सिंपली इसको पॉप करेंगे और पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका इनपुट सिंबल बी, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है बी, तो ये वाला फोर्थ वाला ट्रांजिशन एग्जीक्यूट होगा, इनपुट सिंबल बी, टॉप ऑफ द स्टैक बी, इसको क्या करेंगे पॉप और पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे, ओके। फिर क्या होगा इनपुट सिंबल बी, टॉप ऑफ द स्टैक बी, इसको पॉप कर देंगे पॉइंटर इंक्रीमेंट, इनपुट सिंबल बी, टॉप ऑफ द स्टैक बी, क्या हो गया खत्म, तो दैट मीन्स स्ट्रिंग इज ओवर और स्टैक इज कम्प्लीटली एम्प्टी, तो इसका मतलब क्या होगा ये स्ट्रिंग इस पीडीए से क्या हो रही है एक्सेप्ट हो रही है, ओके। तो इस तरीके से क्या करते हैं, कोई भी अगर आपकी गिवन ग्रामर है जो कि आपकी जीएनएफ के फॉर्म में नहीं है, ओके, जीएनएफ के फॉर्म में अगर है तो उसको कैसे करेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे एक स्टेट लेंगे, ये आपका पीडीए है, स्टेट इनपुट सिंबल जो भी आपका इनपुट यहाँ ए कॉमा बी है, डेल्टा डेल्टा इस तरीके से डिफाइन कर लेंगे, सिंपली क्या करेंगे जो जो वेरिएबल्स हैं उसके राइट हैंड साइड में जो है ये आपका क्या है इस तरीके से लिखेंगे, सिंपली क्या होगा प्रेजेंट स्टेट नल और लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसको लिखेंगे और राइट हैंड साइड में जो है वो यहाँ प्लेस कर देंगे, सिंपल, ओके। नेक्स्ट यहाँ भी इसके लिए क्या करेंगे राइट हैंड साइड में ये प्लेस कर दिया, फिर जो भी आपके इनपुट इनपुट सिंबल्स होंगे उसके लिए ट्रांजिशन लिख देंगे, ए ए के लिए पॉप कर रहे हैं, बी बी के लिए यानी इनपुट सिंबल ए और टॉप ऑफ द स्टैक ए, टॉप ऑफ इनपुट सिंबल ए, टॉप ऑफ द स्टैक अगर ए है तो क्या करेंगे पॉप, इनपुट सिंबल बी, टॉप ऑफ द स्टैक बी है तो क्या करेंगे पॉप, इसको इस तरीके से लिख लेंगे और उसके बाद वेरीफाई कर लेंगे कौन कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। तो इस तरीके से क्या होगा, जब आपका इनपुट सिंबल और टॉप ऑफ द स्टैक दोनों सेम मैच करेगा तो पॉप करेंगे, लेकिन आपका टॉप ऑफ द स्टैक अगर वेरिएबल है तो सिंपली क्या करेंगे जो भी आपका ट्रांजिशन डिफाइन होगा वो क्या करेंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और इस एग्जाम्पल के करस्पॉन्डिंग जो हमने पीडीए डिज़ाइन किया है वो क्या आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, ओके। तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन कर लेंगे और ये आपके टपल्स होंगे, यहाँ फाइव क्यों लिखा हुआ, क्योंकि ये क्या आपका पीडीए एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक, तो इस तरीके इस क्योंकि इसमें कोई फाइनल स्टेट नहीं हुआ तो इसलिए इसको रिप्रेजेंट करें फाइव से, ओके। तो अब देखते हैं कि अगर आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो गिवन है वो जीएनएफ के फॉर्म में हो तो क्या होगा, ओके। इसमें सिर्फ माइनस और डिफरेंस होता है उसको हम देखते हैं, या फिर जो गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो क्या आपका जीएनएफ, जीएनएफ क्या होता है बेसिकली अगर कोई एक वेरिएबल है वो या तो टर्मिनल को डिराइव करेगा या तो वेरिएबल क्या करेगा टर्मिनल फॉलोड बाई एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ओके। अगर वेरिएबल यहाँ वी की जगह नल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिलेगा, यहाँ कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ओके। तो ये क्या है जीरो यानी कैपिटल एस डिराइव जीरो फॉलोड बाय टू टाइम्स बी, तो दैट मीन्स ये इस फॉर्म में आ रहा है, ये क्या है आपका टर्मिनल, तो दैट मीन्स टर्मिनल क्या है जीरो एंड वन
और नॉन टर्मिनल क्या है, कैपिटल एस एंड कैपिटल बी, या वेरिएबल एस को कहते हैं। तो यहाँ क्या डिफरेंस होगा वो देखते हैं। तो सिंपली क्या होगा कि ये जो आपका पीडीए था प्रीवियस केस में क्या था, आपका ये पीडीए था, लेकिन इस केस में क्या होगा, चेंज होगा बेसिकली, यहाँ जो आपका वी यूनियन टी है दैट मीन्स वेरिएबल, यानी ये आपका क्या है स्टैक सिंबल जो होंगे वो क्या होंगे, वेरिएबल भी हो सकते थे और टर्मिनल भी हो सकते थे, अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया। लेकिन अगर आपके गिवन ग्रामर जीएनएफ के फॉर्म में है तो सिंपली क्या होगा, यहाँ सिर्फ स्टैक सिंबल्स जो होंगे वो क्या होंगे, आपके वेरिएबल्स होंगे, टर्मिनल नहीं होंगे। ओके, और इसका रूल कैसे डिफाइन करेंगे ये देखते हैं। तो सपोज दैट ये आपका क्या है स्टार्ट सिंबल, और यहाँ जो स्टार्ट सिंबल है इनिशियली जो होगा बॉटम ऑफ द स्टैक वो स्टार्ट सिंबल होगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ क्या होगा आपका वेरिएबल्स, यानी जो पुश डाउन सिंबल्स होंगे वो क्या होंगे सिर्फ, यानी स्टैक सिंबल सिर्फ वेरिएबल होंगे, टर्मिनल नहीं होंगे। ये डिफरेंस है जीएनएफ और नॉट जीएनएफ में, यानी अगर आपकी कोई भी गिवन ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो आपकी जीएनएफ में है तो क्या होगा, और जीएनएफ में नहीं है तो क्या होगा। जो जीएनएफ में नहीं है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और जीएनएफ में होगा तो पुश डाउन सिंबल जो भी होंगे वो क्या होंगे सिर्फ वेरिएबल्स होंगे, टर्मिनल नहीं होंगे। ओके, तो इसका जो रूल होगा वो क्या होगा, सपोज स्टार्ट सिंबल के लिए अगर लिखते हैं तो क्या होगा क्यू। ओके, यहाँ क्या है, जो जो भी आपके स्टार्टिंग में टर्मिनल होगा उसको एज ए इनपुट सिंबल लेंगे, जीरो, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स ये इनपुट सिंबल है और ये क्या है आपका टॉप ऑफ द स्टैक विच इज इक्वल्स टू क्यू। ओके, अब उसके बाद जो भी आपके सिंबल्स हैं यानी वेरिएबल्स हैं उसको लिख देंगे सिंपली। अगर इस तरीके से आपको दिया हुआ ए डिराइव स्मॉल ए फॉलोड बाई वी स्टार, तो क्या करेंगे इनपुट सिंबल ये क्या करेंगे इसको उठा के इधर, दैट मीन्स अगर इस प्रोडक्शन की बात करें फर्स्ट प्रोडक्शन, तो ये आपका एज ए इनपुट सिंबल होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो आपका टॉप ऑफ द स्टैक होगा, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या होगा आपका, जो हम इसकी जगह पे स्टैक में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी एक एग्जांपल लेकर इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा नेक्स्ट, यानी ये आपके रूल नंबर वन, रूल नंबर टू के किसके लिए लिखेंगे बी के लिए, तो क्या हो जाएगा क्यू इनपुट सिंबल इसके लिए क्या होगा जीरो, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड, टॉप ऑफ द स्टैक लेफ्ट हैंड साइड होगा वो क्या होगा आपका कैपिटल बी विच इज इक्वल्स टू क्यू, और यहाँ क्या लिखेंगे पुश डाउन सिंबल्स क्या होगा कैपिटल एस। ओके, थर्ड क्या होगा रूल इसके लिए, इस प्रोडक्शन के लिए लिखेंगे क्यू, अब आपका इनपुट क्या हो जाएगा वन। ओके, वन लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका वेरिएबल है वो टॉप ऑफ द स्टैक होगा विच इज इक्वल्स टू क्यू, और इधर क्या है कैपिटल एस, तो यहाँ कैपिटल एस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, फोर्थ रूल क्या होगा इसके लिए बी डिराइव जीरो, तो दैट मीन्स इनपुट सिंबल क्या होगा आपका जीरो, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा बी विच इज इक्वल्स टू क्यू, और इसके बाद कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ क्या करेंगे सिंपली नल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, और वैसे इन तीनों को कंबाइन, क्योंकि आपका क्या है इनपुट सिंबल टॉप ऑफ द स्टैक सेम ही है, इसको कंबाइन कर इसके कलेक्टिवली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स अगर आपकी क्यू इन दोनों को, दैट मीन्स ये कि आपका इनपुट सिंबल और ये दोनों इनपुट सिंबल सेम है तो इनको एक साथ लिख देंगे, इसको अलग कर देंगे। ओके, खैर इसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये क्या है आपके चार रूल्स आपको मिल गए। तो सिंपली क्या होगा इस तरीके से इसका रूल लिख लेंगे, और रूल लिखने के बाद क्या करेंगे, आप एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, सपोज दैट आपकी एक स्ट्रिंग है फॉर एग्जाम्पल 0 1 और 0 to the power 4, फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग है 0 to the power 4 मीन्स 4 times 0, इसका मतलब क्या है ये स्ट्रिंग है आपकी 0 1 4 times 0। ओके, अब वन बाई वन क्या करेंगे इसको चेक कर दें क्या ये स्ट्रिंग इसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट हो रही है या नहीं। तो इनिशियली जो आपका स्टैक होगा, स्टैक सिंबल क्या होगा कैपिटल एस, जो कि यहाँ मेंशन है, यानी आपका स्टार्टिंग जो सिंबल होगा, यानी यहाँ जो बॉटम ऑफ द स्टैक जो मार्कर हम यूज़ करते हैं जेड नॉट, यहाँ क्या होगा आपका कैपिटल एस। तो जीएनएफ के फॉर्म में दिया हो तो भी होगा, और या जीएनएफ के फॉर्म में नहीं दिया तो भी होगा। ये इनपुट सिंबल जीरो टॉप ऑफ द स्टैक यस, इनपुट सिंबल जीरो टॉप ऑफ द स्टैक यस। ओके, तो क्या करेंगे इसको इसकी जगह पे सिंपली क्या करेंगे पॉइंटर इंक्रीमेंट करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे इसकी जगह पे 2 times भी पुश कर देंगे। प्रीवियस केस में क्या होता था, जब आपका टॉप ऑफ द स्टैक क्या था आपका वेरिएबल, तो हम नल मूव करते थे, लेकिन यहाँ क्या होगा हर एक मतलब हर एक सिंबल रीड करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा, दैट मीन्स इनपुट पॉइंटर वन बाई वन इंक्रीमेंट होता रहेगा। ओके, अब आपका क्या है वन टॉप ऑफ द स्टैक बी, वन टॉप ऑफ द स्टैक बी इसकी जगह पे क्या सब्सटीट्यूट होगा कैपिटल एस। ओके, तो बी हो जाएगा और इसकी जगह क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे कैपिटल एस, और पॉइंटर क्या होगा आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर क्या है आपका इनपुट सिंबल जीरो टॉप ऑफ द स्टैक कैपिटल एस, इनपुट सिंबल जीरो टॉप ऑफ द स्टैक कैपिटल एस, फिर से यही एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बी, और इसकी जगह क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे टू टाइम्स बी, और इनपुट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, अब क्या आपका इनपुट सिंबल जीरो टॉप ऑफ द स्टैक बी, इनपुट सिंबल
जीरो टॉप ऑफ द स्टैक भी यहाँ है और इनपुट सिंबल जीरो टॉप ऑफ द स्टैक भी यहाँ है। तो क्या करेंगे, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है आपका नॉन डिटर्मिज्म है, तो इसको एक तरफ एग्जीक्यूट करेंगे, इसको दूसरी तरफ एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं, अगर इससे एक्सेप्ट नहीं होगा तो इसको चेक करेंगे, अगर इससे एक्सेप्ट हो जाएगा तो इसको चेक करेंगे, यानी दोनों को चेक करते रहेंगे। यानी यहाँ क्या होगा, मल्टीपल कॉपीज दर, क्योंकि नॉन डिटर्मिज्म है। ओके, तो अगर आपका क्यू इनपुट सिंबल जीरो, इनपुट सिंबल जीरो टॉप ऑफ द स्टैक भी है, तो क्या हो रहा है, पॉप। तो दैट मीन्स क्या करें, इस एलिमेंट को पॉप कर रहे हैं। ओके, और पॉइंटर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीमेंट। फिर क्या आपका इनपुट सिंबल जीरो टॉप ऑफ द स्टैक भी, फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ट्रांजिशन, तो इसको पॉप कर देंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इनपुट सिंबल जीरो टॉप ऑफ द स्टैक भी, इसको पॉप कर देंगे। आपकी स्ट्रिंग ओवर हो गई, टॉप ऑफ यानी स्टैक क्या होगा, कम्प्लीटली एम्प्टी, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि अगर आपकी गिवन ग्रामर GNF के फॉर्म में है या नहीं है, तो सिंपली क्या होगा, आपका जो रूल डिफाइन होगा इसमें कोई भी नल मूव नहीं आ रहा है। अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ कोई भी नल मूव नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इसमें जो भी आपका इनपुट सिंबल होगा उसके करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन दिखाएंगे। लेकिन प्रीवियस केस में क्या था, जो भी आपके वेरिएबल्स आ रहे थे नॉन टर्मिनल, उसके करस्पॉन्डिंग क्या कर रहे थे, नल मूव दिखा रहे थे। यहाँ ऐसा नहीं होगा। ओके, और दूसरी चीज़ ये होगी कि जो पुश डाउन सिंबल होंगे, यहाँ स्टैक को देखें अगर, तो सारे सिंबल्स के हैं आपके वेरिएबल्स हैं। ओके, लेकिन अगर आपका GNF के फॉर्म में नहीं होता था तो क्या होता था, वेरिएबल और टर्मिनल दोनों, दैट मीन्स वी यूनियन टी यहाँ लिखा था। तो सिंपल सा डिफरेंस क्या है, यहाँ दो डिफरेंस है कि आपके जो पुश डाउन सिंबल्स होंगे, दैट मीन्स स्टैक जो होगा वो कौन कौन से एलिमेंट को कंटेन करेगा, वो सारे क्या होंगे, आपके वेरिएबल्स। और यहाँ जब आपकी गिवन ग्रामर GNF के फॉर्म में नहीं है तो क्या होगा, उसमें दोनों हो सकता है, दैट मीन्स आपका वेरिएबल और टर्मिनल दोनों होगा। दूसरा क्या होगा, यहाँ कोई भी नल मूव नहीं आएगा, लेकिन वहाँ क्या होंगे, सारे जितने भी वेरिएबल्स होंगे उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, नल मूव दिखाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी उसको क्या करेंगे, PDA में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके।